तो जनाब, कैनियन से आगे हम अपने रास्ते पे निकल चुके हैं क्योंकि हमें पहुंचना है इन खूबसूरत वादियों में। हमारा आज का स्टे यहीं है। दिस लुक्स लाइक अ ड्रीम स्टे एंड इनडीड इट्स अ ड्रीम स्टे। इफ यू आर इन अल्माटी यू शुड डेफिनेटली गो टू दिस प्लेस एंड स्टे ओवरनाइट। तो जब हम कैनियन से निकले हैं तो रास्ते में हमने लंच किया है और उसके साथ बारिश शुरू हो गई है, तो भाग भाग के हम गाड़ी में चढ़ गए और हम पहुंचते हैं इन खूबसूरत नज़ारों में। ये जगह है कुलसाई लेक की पार्किंग और लेक के उस तरफ हमारा रिजॉर्ट है। अब यहाँ से हमें जाना है पैदल और दो चार और भी छोटी मोटी भसड़ हैं, वो सारा इस ब्लॉग में आप लोग देख लेना। तो लेट्स गो टू द वीडियो। हाँ जी दोस्त, टाइम फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज। मुझे पता आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। सो आई एम बैक विद दिस स्वीट चॉकलेट फॉर स्वीट ऑडियंस विद अ वेरी स्वीट स्टोरी। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी दोस्त, ये है डे टू और आज यहाँ हमारा जबरदस्त स्वागत हुआ है बारिश की बूंदों के साथ, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ और दो छोटे छोटे सरप्राइजेज के साथ। दूसरे वाला छोटा तो नहीं है खैर, लेकिन है। तो जी, यहाँ पहुँच गए हम कुलसाई लेक के पार्किंग लॉट में और यहाँ हमारे लिए एक अच्छा सरप्राइज़ ये है कि इंद्र देवता खुश है। बहुत बढ़िया फुहारें आ रही हैं, बहुत बढ़िया मौसम है, टेम्परेचर इज गदर टू। बट देर इज ए बैड सरप्राइज एज वेल, वो मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले आप पिछली वीडियो देख आइए अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि इस पूरी सीरीज की स्टोरी लाइन आपको तभी समझ आएगी जब आप वो वीडियो देख के आओगे। कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बक रहा हूँ, तो इसका पीछे से क्या लेना देना है। सो आई रिकमेंड एंड आई रिक्वेस्ट गो चेक दिस वीडियो। यहाँ कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अरे इनबॉक्स भी कर देंगे महाराज। इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम आपको इनबॉक्स भी लिंक भेज देंगे। पर वीडियो देख के आइए, क्योंकि वो वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो ऐसा हो जाएगा कि एक बहुत बढ़िया गर्म चाय की प्याली है, मस्त अदरक इलायची डाल के बनाया हुआ क्या ही चाय बनी है, लेकिन उसमें मीठा नहीं है। तो अगर आपको वो वाली घटिया फीलिंग नहीं चाहिए तो वीडियो देख आइए। हाँ जी, अब आते हैं दूसरे सरप्राइज पे जो बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल इट्स अ सरप्राइज। तो जी, हमने दूसरी किसी कंपनी से बात करके ये जो बस बुक की थी सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए, इसने हमें कुलसाई लेक की पार्किंग पे छोड़ दिया है एज प्रोमिस्ड। इनसे यहीं तक की बात हुई थी। अब सरप्राइज ये है कि जो हमारा रिजोर्ट है, जैसा आप देख पा रहे हो, कुलसाई लेक के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है और वहाँ जाने के लिए बस का रास्ता है ही नहीं गुरु। अब इनकी कोई गलती नहीं है, बट गलती रिजोर्ट वालों की भी नहीं है। हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हम पार्किंग में रुकेंगे। हमें लगा वहाँ से फ़ोन करके बुला लेंगे, लेकिन दोस्त यहाँ किसी भी सिम का कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, ना गाइड का, ना हमारा, ना किसी और का। तो अब सरप्राइज ये है कि हमें पैदल जाना है। वो जो दिख रहा है वो है हमारा होटल। ये देखो, जूम करके थोड़ा और जूम हुआ तो दिखाऊंगा ये वाला। ये होटल है हमारा, ये ऊपर पहाड़ है और टॉप पे बर्फ़ पड़ी हुई है, नीचे बारिश की वजह से ग्रीन है, फिर ये होटल है, इसके बाद लेक है। खैर, नॉर्मली क्या होता है कि जब इन्हें पहले इन्फॉर्म करके रखा जाता है और आप यहाँ पे आ रहे हो बाय अदर ट्रांसपोर्ट, तो ये लोग अपनी गाड़ी यहाँ भेज देते हैं और आपको बिठा के आराम से झूला झुलाते हुए दूसरे रास्ते से रिजोर्ट पर लेके जाते हैं। बट हमारा वो हुआ नहीं, कम्युनिकेशन फेलियर। तो ये आप ना करें। अल्माटी में या फिर कजाकिस्तान में आप कह सकते हो कि शहर से बाहर जाके नेटवर्क की कोई बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगर सिटी से बाहर आप लोग जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपका कुछ नेटवर्क वाला काम पेंडिंग ना हो। हाँ जी, तो घिसते पिसते हम पहुँच गए हैं रिजॉर्ट पे और अब अंदर चलते हैं, आपसे वहीं बात की जाएगी। ये वाईफाई वाली बात सुन के तो भाई साहब हमारी फट गई थी, लिटरली फट गई थी, क्योंकि काम तो जो था वो था ही, हमारा काम मोस्टली ऑनलाइन है, वो तो हो गई भसड़। उससे ज़्यादा भसड़ ये थी कि हम हमारी माता श्री को नहीं बता के आए। हमारी माता श्री की आदत है दिन में दो बार बात करनी ही करनी है, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे हम कैसे भी हों, चाहे एक सेकंड बात करके हम रख दें कि नहीं माता बाद में करेंगे, दैट्स इट, चलेगा उनको, लेकिन बात करनी है। और यहाँ जब बोल दिया वाईफाई नहीं है, तो हम कभी माथा यहाँ से पकड़ रहे हैं, कभी यहाँ से पकड़ रहे हैं, लेकिन नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, आएगा कैसे। और ऊपर से इन्होंने ये बोल दिया कि हमें नहीं पता नेटवर्क आ जाए, कल आए, परसों आए या ना भी आए। मतलब बहुत सही। उसके बाद ये भी दिमाग में बसड़ चल रही है कि बस जिससे जाना है उससे भी तो फ़ोन पे ही बात करनी है कि कब पहुँचे, कहाँ पहुँचे। खैर, फिर हमने सोचा कि भाड़ में जाए दुनियादारी, जब यहाँ पहुँच ही गए, इतनी बढ़िया शानदार लोकेशन है, इतना बढ़िया बिस्तर है सोने के लिए, तो नहा धो के सोया जाए, फिर उसके बाद कहीं शाम को घूमने निकल गए।
बैज लगा हुआ है, ये इधर छोटा सा फ्रिज है, छोटा ही रहेगा, काम आएगा इतना ही। और ये कपड़े वपड़े टांगने के लिए है, जैकेट मैंने ऑलरेडी टांग दी है, अभी कायू महाराज टांगेगा, ये टांग दिया। इधर शूज वगैरह रखने के लिए वो छोटा सा है, हमारा सामान बिखरा पड़ा है, इग्नोर दिस। ये कॉफ़ी टेबल मिली है, इसको कुछ भी कह लो आप, ये है। और ये बालकनी है, छोटी है लेकिन बाहर से व्यू देखिए बहुत सुंदर है, सीधा लेक दिखती है सामने, माउंटेंस दिखते हैं, ऊपर बर्फ़ है। और ये इधर इसके चारों तरफ का ये व्यू है, ये दूसरे कॉटेज बने हुए हैं। टॉयलेट है इधर, बाथरूम होगा, टॉयलेट एक में ही होते हैं नॉर्मली। वाओ ब्यूटीफुल, हाँ ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है, सबसे बड़ी बात है साफ़ सुथरा है ना। ये शीशा, इसमें शक्ल देखेगा कायू महाराज, इसमें क्या करते हैं ये तुम check. कमेंट करके बताओ। Let me check, वो प्राइवेसी मोड है क्या इसमें, तुमको पता है एक प्राइवेसी मोड होता है? हाँ मैं कहा बता भाई, हम नहर में नहाने वाले लोग, मुझे दिख नहीं रहा। ओके क्या पता ना हो, होता तो है। प्राइवेसी मोड में क्या होता है कि ये जो शीशा ट्रांसपेरेंट है ये फिर ब्लर हो जाता है, इसमें दिखता नहीं उधर कुछ भी, तो इसमें है कि नहीं वो बाद में देखना पड़ेगा, नहीं भी होगा तो ये गेट है ही। ये वो लोग चुरा के ले जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो अक्सर लोग चुरा के ले जाते हैं। हम चुराएंगे? नो, यूज हो जाएंगे अपनी। हम दो दिन रहने वाले हैं, हम चख देंगे इनके फट्टे। ये हेयर ड्रायर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जो हेयर ड्रायर यूज करते हैं, या उन लोगों के लिए जिनके बाल बड़े। तो जब तक ये खूबसूरत टाइम लैप्स रिकॉर्ड हुआ है हम सोए, उसके बाद हम कॉफ़ी पीने निकले हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर लोकेशन टू हैव कॉफ़ी विद योर लव्ड वंस, एंड आई वाज विद कायू महाराज, सो देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। तो आज के दिन ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं, जो स्पॉन्सर्ड शूट था वो कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर से थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर लिए, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं डिनर पे, एंड दिस रेस्टोरेंट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड अराउंड दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे खाने के ऑप्शंस वैसे भी बहुत कम हैं। प्रॉपर रेस्टोरेंट तो एक पार्किंग में है और दूसरा यही है। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी ऊपर होने के बाद भी, इतना दूर होने के बाद भी खाना एक्सपेंसिव नहीं था और टेस्टी भी था, दैट्स चेरी ऑन द टॉप। डिनर पे बैठ के हमने प्लान किया कि कल लेक को एक्सप्लोर करेंगे, वो वीडियो बहुत सुंदर होने वाली है, डोंट मिस दैट। इसके बाद हम जाके इस खूबसूरत से घर उंदे में सो गए हैं, आज के तारे कुछ अलग दिख रहे थे। एंजॉय द व्यू, वी विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर।